ऐसे आप डिवाइड कर लें, क्वेश्चन सारे करने रहते हैं, मतलब हायर जुडिशियल में तो करने लगते हैं, आप लोगों में तो शायद ऑप्शन रहता है जुडिशरी में, तो आप टाइम पहले डिवाइड कर लें, टाइम डिवाइड कर लें, 180 मिनट है, टोटल 3 घंटा रहता है ना, और 200 नंबर है, यानी 9 मिनट, 9 नंबर पे, 10 नंबर पे 9 मिनट है, उसमें 1-2 मिनट तो आपका क्वेश्चन पढ़ने में चला जाएगा, तो आप मान के चलिए 7 मिनट है आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है। तो आप कितना अब लेंदी नोट्स पढ़ेंगे तो वो कितना फायदा करेगा, 7 मिनट में तो आप वो चीजें लिख, समझने के लिए वो बेहतर है, समझने के लिए बेहतर है, अच्छा लिखा हुआ समझ में आएगा, लेकिन 7 मिनट में हमको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अधूरा छोड़ देंगे आधा नंबर मिलेगा। और होता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बहुत अच्छे नॉलेज वाले लोग, कम से कम मेरी असफलता का कारण तो हमने यही ढूंढा कि सब कुछ जानने के बाद कॉपी पे आप नहीं उतारेंगे तो कैसे पता कि आप क्या हैं, फिर वहाँ आपकी कॉपी रहती है, टीचर रहता है, वो नहीं जानता आपका बैकग्राउंड कि आप बहुत स्टूडेंट स्कॉलर रहे हैं या बड़े सिंपल स्टूडेंट रहे हैं। वहाँ सिंपल स्टूडेंट भी अगर पूरा किए हुए हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, जो टॉपर रहा उसने अगर पूरा नहीं लिखा तो उसको नहीं मिले नंबर, तो फिर लगता है उसको कि अरे यार हम टॉपर रहे और क्यों नहीं हुए, और वो साधारण लड़का हो गया। तो सबसे जरूरी मेरे हिसाब से कंपटीशन का है, खुद पे बैठ के आप रिसर्च करें और विद इन टाइम लिखने की कोशिश करें, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और जैसे एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, तो क्या हम उस क्वेश्चन को फर्जी तरीके से लिखे कुछ ऐड ऑन करके अपने दिमाग से, या जो पहला क्वेश्चन आ रहा है उसको बेहतर तरीके से लिखे टाइम देखें, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, बहुत पूरा नहीं आ रहा है, तो उसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए, शायद कुछ नंबर मिल जाए, 4 नंबर का होगा 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर बढ़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो 8 नंबर का है उसमें आपको 7 नंबर या 8 नंबर नहीं मिलेगा, 8 में 8 कोई नहीं देगा, कोई टीचर मेंस में नहीं देगा 8 में 8, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिला तो 5 नंबर मिलेगा उस 8 नंबर में, क्योंकि किसी भी आयोग से मेरे ख्याल से 57-58% पे तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आप टोटल अगर इंटरव्यू जोड़ के देखें तो। कभी भी ये मतलब कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत रिसर्च करें। अब जैसे डाइंग डिक्लेरेशन पूछ ले, बड़ा सिंपल टॉपिक है, सबको मालूम है, सबको उसमें 3 केसेस भी पता रहते हैं, फाकला नारायण पलविंदर को और निशिकांत झा, उसके बाद लेटेस्ट केसेस भी हैं उसमें, अब पूछा है 5 नंबर में, अब भूल जाता है बच्चा वहाँ पे कि 5 ही नंबर पूछा है, उसको तो लगता है कि ये तो बहुत बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन है, तो रिसर्च कर देता है, वो गलत करता है, वो 5 नंबर में आपको 3 ही नंबर मिलना है उस डाइंग डिक्लेरेशन, शायद डेफिनेशन भी पूरा ना लिख पाए, 5 मिनट के लिए आपके पास, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 मिनट है, 3 मिनट, और 3 मिनट में आप शायद डाइंग डिक्लेरेशन की परिभाषा भी पूरा ना लिख पाए, तो ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, ये नहीं कि जो आ गया है बड़ा इजी पूछा है, कॉन्टेंट की परिभाषा पूछ दिया है, प्रतिफल की परिभाषा पूछ दिया, और होता भी आजकल यही है, बेकार के क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो बेकार भी इन द सेंस कि जो जनरली हम बहुत इंपॉर्टेंट मान के नहीं चलते, वो पूछते हैं वो 10 नंबर में, और अरे यार अब ये कैसे करें, तो 10 नंबर में पूछा हुआ, सेक्शन 34 एविडेंस एक्ट बड़ा सिंपल सेक्शन है, वो आदमी पढ़ा नहीं रहता है, वो पूछ दिया 15 नंबर क्या लिखें, तो आप वो सेक्शन लिखिए पूरी तरीके से, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ जाइए, नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है करके आगे बढ़ जाइए, दूसरा कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आप ये मत देखिए कि क्या पढ़ा हुआ आ गया मेरा, और इसी पे हम अपनी विद्वता दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिसर्च नहीं करना है, वहाँ हमको सिर्फ सिर्फ नंबर और टाइम का रेशियो लेके चलना है, यही सिलेक्शन की पूंजी है आपकी, तो आते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी आदमी बाहर इसी से होता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, बाकी तो कोई भी किताब लाओ, मंथन की लाओ, विधि भारती की लाओ, या टेक्स्ट बुक है, अपना नोट्स जरूर बनाओ, की नोट बनाओ, नोट्स बनाना बड़ा लेंदी काम है, बोरिंग काम है, मन नहीं करता, कई स्टूडेंट 3-3 किताबें खोल के बैठे रहते कि अवतार सिंह को भी ले रखा है, कैलाश राय को भी ले रखा है, रिसर्च कर, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिख लो, सिंपल किसी भी क्वेश्चन लिख लो, उसको अपने तरीके से लिखने का प्रयास करो, की नोट बनाइए, नोट्स नहीं बन, नोट्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपना नोट्स है उसका भी की नोट बनाओ, मोड़ लो पेज, 2-2 पेज का उसको की नोट की बनाओ, तो इसको डेवलप कर दें, अगर ये 2 नंबर में पूछे तो भी लिख लें, यही 10 नंबर में पूछे तो भी लिख लें,
तीन केसेस चाहिए, दो तीन केसेस ले लो, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ले लो, डेफिनेशन नहीं याद रहती है, डायरेक्ट रटने की कोशिश ना करें, नहीं रटता। और रट के अगर जाएंगे एक शब्द भूल गया तो वहाँ घबराहट होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स परिभाषा मत लिखिए किसी भी, मेरे हिसाब से एसेंशियल उसके जो अवयव हैं वो लिख दीजिए, केसेस लिख दीजिए सफिशिएंट। और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे लिए तो बताने के लिए बस इतना ही, बाकी सब अपने तरीके से सब पढ़ते हैं, किसी को कॉपी मत, ना टॉपर को ना यूट्यूबर को किसी को भी, सब अपने तरीके से पढ़ते हैं। अपनी किताब खोलिए, जब आप अपने साथ होइए तो खुद को पढ़िए, खुद जानिए कि हम क्या बेहतर, अपनी सीमाएं जो जान जाता है, जो अपनी लिमिटेशंस जान जाता है वो बहुत बेहतर पढ़ते हैं। हम अपनी सीमा जानते हैं कि हम भाई हम ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, जो अपनी सीमा जानता है वो उस सीमा में बहुत बेहतर प्रयास करता है। और एग्जाम कभी भी बहुत रिसर्च करके नहीं लिखना चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश नहीं करनी, आप सिंपल लिख के देखिए सिलेक्ट हो जाएंगे, सिंपल होना चाहिए और लेकिन पूरा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम करते क्या है कि लॉ के तीनों पेपर में बहुत मेहनत करते हैं, जीएस बहुत अवॉइड करके चलते हैं, इंग्लिश बहुत अवॉइड करके चलते हैं और अंत में पता चलता है कि जीएस और इंग्लिश की वजह से ही बाहर होते हैं, मेरे कितने मित्र नहीं सिलेक्ट हो पाए, जो लोग 117, 123, 124 नंबर लॉ में पाके 19 नंबर इंग्लिश में, 9 नंबर इंग्लिश में, 20 नंबर 30 नंबर जीएस में पाके बाहर हो गए। तो पूरा मेहनत कीजिए, जीएस कैसे पढ़ा जाए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न होता है सबके लिए कि कैसे पढ़ा जाए, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए तो चीज़ें नहीं मिलती इलाहाबाद में, हिंदी माध्यम के लिए तो बहुत सारी हैं, घटनासार है, घटना चक्र है, निकालते रहते हैं, लेकिन यह है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलता है और इसका कोई सेट कोई आंसर कोई किताब तो है नहीं इस तरह की, लेकिन हाँ एक ल्यूसेंट बेसिक रखिए अपने पास, उसमें छोटे में सब कुछ दिया है, मेरे ख्याल से सबके पास होनी चाहिए और सिर्फ रखना नहीं चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें फैक्चुअल दिया हुआ है, एक एक लाइन में हर चीज़ दी हुई है, कहानी की तरह दी नहीं कि याद हो, लेकिन किसी भी किताब को अगर पढ़ने की आदत हो जाए ना तो फिर याद रहती है, फिर वो बंद भी रहे तो आपको याद रहेगी, उस तरीके से पढ़िए। ट्रेडिशन और कोई सेट पैटर्न तो है नहीं कि ट्रेडिशनल पूछता है कि करंट पूछता है, कभी करंट की मात्रा बढ़ा देता है। 2012 में हम लोगों ने प्री दिया था, आप विश्वास नहीं करेंगे लॉग पेपर, खैर आप देखेंगे पेपर विश्वास क्या नहीं करेंगे, उसमें आईपीसी वगैरह क्वेश्चन बहुत कम पूछा था, सीआरपीसी एविडेंस बहुत कम पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनेशनल लॉ करंट बहुत ज़्यादा पूछा था उस बार बहुत, और सिर्फ 72 सीट्स थी तो बहुत लोगों का प्री नहीं हुआ, जो लोग बाद में टॉप किए या बहुत 2006 का इंटरव्यू दिए थे प्री नहीं निकला। तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद जब मैं पिछला एचएचएस दे रहा था मेंस, मैं खुद घबरा गया था, पेपर बड़ा लेंदी आया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, एचएचएस का पेपर शायद 68 क्वेश्चन प्रोसीजर में थे, 68 क्वेश्चन पार्ट पार्ट अगर जोड़ दें तो, इतना लेंदी पेपर था कि पढ़ना मुश्किल था और मैं खुद घबरा गया सब कुछ होने के बाद भी और नहीं हो पाया। उसके पहले जेएस का दोनों इंटरव्यू दिया था मैंने, 18 सेकंड और थर्ड का दोनों इंटरव्यू दिया था, तो मुझे लगा था कि दो इंटरव्यू में लगातार एचएचएस का दे चुका हूँ, तीसरे पे अब होना चाहिए, बहुत मेहनत भी की थी मैंने, लेकिन पेपर एकदम से अलग आ गया, बहुत ही अलग आ गया, उस तरह का कभी पूछा नहीं था, तो मैं घबरा गया, कॉम्पिटिशन गड़बड़ हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी, कितना भी कठिन पेपर हो, कितना भी ऑकवर्ड हो, अलग पूछा हो, ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, सब पीछे हो गए। कंपटीशन में हमेशा रिलेटिव मार्क्स मायने रखते हैं, ये नहीं कि आप लोग एक बार 360 पाया है, अगले पिछली बार उसके 320 पाया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप 320 पाई हैं या 320 पाए हुए हैं और पीछे के लोग 300 से नीचे हैं तो आप ही का सिलेक्शन होगा, भले से आपका पहले वाले मार्क्स से कम है, आप खुद से 40 नंबर कम पाए हैं लेकिन तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन रिलेटिविटी देखता है कि हमारे साथ कौन बैठा है कंपटीशन में, कभी कभी हमारा बहुत गंदा पेपर हुआ रहता है लेकिन तब भी सेलेक्ट हो जाते हैं, तब भी उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि हमारे साथ की कापियाँ और गंदी होती हैं तो उसमें हमारा बेहतर हो जाता है, टीचर्स को लगता है कि इसने फिर भी कुछ लिखा है। तो घबराना नहीं चाहिए काम में, कितना भी टेढ़ा पेपर है वो सबके लिए आया है, उसमें भी आपको सेलेक्ट करना चाहिए सबसे पहले कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले कर लीजिए। अब तो प्रिंटेड आते हैं आप लोगों का जे में, प्रिंटेड आता है ना पेपर, हाँ तो उसमें आप पहले देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आ रहा है तो उस पर बहुत टाइम देना है, टाइम उतना ही दीजिए जितना देना है जो कंपटीशन अलाउ करता है।